हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग के अंदर हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग आज करने वाले थोड़ा सा शूट। तो चलिए हम लोग चलते हैं और मेरे एक दोस्त को भी अभी मुझे मिलना है, तो हम लोग चलते हैं पहले उसके पास और वहाँ से हम लोग जाएंगे शूट की लोकेशन पे। तो चलिए चलते हैं। गाइस अभी यश भी आ चुका है, तो मैं और यश हम दोनों जाने वाले हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सी जगह पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ है यश, उसके साथ ये स्टार ध्रुव, ए निकम में दूर रहे इससे चल, और यहाँ पे जुगल और उसके साथ दूसरा यश भी हमारे साथ। जय माता। तो हाँ भाई, जय माता जी। तो अभी हम लोग चलते हैं भाई शूटिंग की प्लेस पे कहाँ। और यहाँ पे आप लोग ऊपर देखो, पूरे मतलब पेड़ के पत्ते एकदम छाए हुए है और धूप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ रही। और वहाँ पे देखो ये नल्ले लोग है, शूट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन भाई ऐसे ही बैठे है। देखो ये नल्ले लोग को शूट करना कुछ आता है नहीं, बस ऐसे ही मेरे को इधर बुलाया है ये अपने फोटोग्राफर भाई। अभी हम वहाँ से यहाँ आ चुके हैं और पीछे देखो, कैमरा पीछे घुमाया जाए, ये पूरी प्लेस है गाइस देख सकते हो। तो अभी हम इसको है ना अंदर से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। समीर भाई डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं बिल्कुल डर नहीं लग रहा भाई। तो पहले जो थी एक केमिकल कंपनी थी पूरी, जो बहुत सालों से यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे भाई ये कैसी जगह है, यहाँ पे कितना डर लगता है अंदर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। सो गाइस अभी तो हम यहाँ पे अंदर जा रहे हैं समीर भाई, चलो। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे भाई सब कुछ कैसा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो लिटरली गाइस, मतलब समझ लो यहाँ पे 70 या 60 साल से यहाँ पे कोई आया नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग जितना अंदर जाते हैं उतना यहाँ पे अंधेरा हो चुका है गाइस। अंदर देखो मतलब पूरा, मतलब समझ लो ऐसा लग रहा है ना, मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे पहले से ही है ना, मेरे ब्लॉग आई थिंक आपने देखे होंगे, तो मुझे है ना पहले से ऐसी जो लोकेशन होती है ना जो बंद पड़ी रहती है और जो खंडेर में मुझे बहुत मजा आता है। पता है वो दानिश जैन, यू नो दानिश जैन था एक, वो भी ऐसा ही करता था, उससे थोड़ा इंस्पायर हूं मैं। तो अभी आप लोग देखो भाई, बहुत ज्यादा पुरानी और खंडर जैसी जगह है गाइस ये। और ये पहले बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी केमिकल की, और अभी ये बिल्कुल गाइस कुछ काम की नहीं रही है। आप लोग अभी हम लोग ने आपको ये सारी जगह दिखा दी कि भाई किस तरीके से यहाँ पे भाई यहाँ पे ध्यान रखना, नीचे कांच है। हाँ, कांच के बहुत सारे टुकड़े हैं यहाँ पे गाइस। और ओ भाई साहब इसको देखो, सबसे ज्यादा हॉन्टेड गाइस ये सब देखने में। उधर आप लोग सामने देखो भाई कितना हॉन्टेड लगता है, अगर उधर से कोई ऐसे व्हाइट कपड़ा पहन के बाहर आया हो ना गाइस, तो भाई हाथ में आ जाएगी भाई। देखो और इधर एक गड्ढे जैसा है गाइस कुछ, वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और भाई नीचे ध्यान रखना इधर। तो यहाँ पे खड्डे जैसा क्या है? ओ भाई साहब तो यहाँ पे कुछ है, देखो यहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसे नलिया यहाँ पे मिल रही है, देखो ये पूरे गड्ढे को। यहाँ मुझे क्या लगता है पता है, यहाँ पे एक मशीन रखी होगी। हाँ, और तो इसमें से सब कुछ है ना, ये सारा लिक्विड यहाँ पे आता होगा और कुछ मेल्ट होता होगा और ऐसा कुछ होता होगा। हाँ, तो ऐसा लगा। हाँ, वही चीज होगी यहाँ पे। बाकी आप लोग वो उधर देखो गाइस, एक बार उधर भाई देखो गाइस, वो दरवाजा देख रहे हो गाइस, वो देखो वो ये दरवाजा है ना, वो इतना हॉन्टेड लग रहा है ना भाई, लग रहा है इतना हॉन्टेड गाइस, इतना हॉन्टेड बहुत। और गाइस एग्स है गाइस, एग्स है, ये सांप के अंडे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे ऊपर की ओर है ना बहुत सारे पड़े, मैं आपको ना ऊपर से वहां पे जाऊँ ना तब मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पे क्या सीन है और क्या है। तो अभी मैं वहां पे तो जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पे कुछ स्नेक्स और वो सब कुछ हो गए। ये वाला जो गेट है वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम, क्योंकि वहां पे भी मुझे लग रहा है वो वाला गेट भी सेम ही है। तो हम ये वाला पोर्शन स्केलेटन गाइस, ये किसी चीज का स्केलेटन लग रहा है, मतलब पता नहीं है किसकी चीज, किस एनिमल का है, पता नहीं किस एनिमल का है समीर भाई। बाकी आप देख सकते हो गाइस, मतलब इतनी ज्यादा हॉन्टेड है ना गाइस, आप लोग अगर यहाँ पे आओगे ना लिटरली ये खाया हुआ है, किसी की रीढ़ की हड्डी है ये। हाँ, तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो ना तो आप लोग को ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पे मेरे को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सांप के अंडे है, फिर आपके यहाँ पे स्केलेटन और पूरी जो जगह जो हॉन्टेड आप लोग को दिखती है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने आपको दिखाई। तो गाइस अगर अकेला बंदा यहाँ पे आता है तो उसमें से कोई रेयर केस में ऐसा बंदा होगा कि जो यहाँ पे अकेला आता है उसको डर नहीं लगेगा, बाकी तो भाई मेरे को तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पे अकेला आ सकता है। और रात के टाइम पे तो भाई आप में से कोई भी यहाँ पे नहीं आना चाहेगा। तो गाइस हमने अंदर आप लोग को सारी चीजें दिखा दी कि भाई कैसा मतलब दिखता है सब कुछ।
अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे साइड की और ऊपर की ओर चलेंगे। ये जो ऊपर जो खिड़कियां है ना वहाँ पे हाँ, जा रहे हैं गाइस। तो वो सारी चीजें हम लोग आपको दिखेंगे भाई ऊपर कितना हॉन्टेड दिखता है। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे ऊपर, आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो अभी हम लोग वहाँ पे ऊपर चल के आप लोग को पूरा दिखाते हैं कि भाई किस तरीके से सब कुछ दिखता है, कितना हॉन्टेड दिखता है, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस मैं मानू पहले ये वाला रूम दिखाता हूँ कि अंदर क्या है, क्या मेरा। सो गाइस ये वाले रूम में हम एंटर कर रहे हैं, मतलब गाइस मतलब ये रूम है, मैं अंदर तो जाना नहीं चाहता, ये देखो। लेकिन गाइस सिर्फ आप लोगों के लिए अंदर हम लोग आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं। रिस्क है तो इसके जैसा है, मतलब ये सारा कुछ मटेरियल पड़ा है, पता नहीं क्या है, वो बोतल पड़ी है, केमिकल की बोतल लगती है वहां पे, सब भंगार जैसा कुछ पड़ा है। गाइस यहाँ पे ना डर क्या लगता है पता है, मतलब फीलिंग हमको ऐसी आती है कि कुछ हॉन्टेड होगा और सब कुछ। और लेकिन हम लोग को एक्चुअली जो डर लगता है वो लगता है इंसेक्ट से, कि यहाँ पे ऐसा कोई मतलब एनिमल्स और इंसेक्ट्स हाँ, कि ऐसा कुछ बाहर आ गया तो। बाकी हम लोग को जो हॉन्टेड जो मतलब आपको लगता है कि भाई भूत वाली फीलिंग, तो वो यहाँ पे आपको उसका डर नहीं लगेगा, लेकिन जो इंसेक्ट का डर नहीं, 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 जब पहले पहले आते हैं ना हम तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ होगा तो यार कुछ कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब गाइस सीढ़ियां गिरी हुई ऐसी है, लड़ा दिया डिबेट कर दी है, असली माल मसाला यहाँ पे है गाइस। यहाँ पे आ जाओ मेरे पीछे आने दो, यहाँ पे रियली गाइज ये प्लेस इतनी अच्छी लग रही है ना, ये इतनी एस्थेटिक लग रही है ना यहाँ पे, इसका सीन और यहाँ पे बैठते हैं सब कुछ यार। तो ये आप लोग को हॉन्टेड बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हाँ, नीचे से ज्यादा ऊपर बहुत अच्छा गुड प्लेस है। सूट बूट करना हो ना, एस्थेटिक सूट करना हो, हाँ, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो गाइज। शो करना है आ सकता है यार, मतलब ऐसे तो एक्सप्लोर होता है ना हमारे मन में, ऐसा जो चौड़ टाइप होता है ना कि ये एक्सप्लोर करना है अंदर क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इतने सारे। अगर आप लोग को कोई हॉन्टेड सिनेमेटिक शॉट्स लेने तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हो गाइस। हम हमारी एक फिल्म शूट करने वाला है, शॉर्ट फिल्म है, उस पर हम यहाँ पे आके काम करने वाले हैं। तो गाइस चलो उसको रहने दो भाई, वो अगर नहीं खुलता है तो रहने दो उसको। तो यहाँ पे गाइस लक्की लिखा हुआ है, देखो लक्की लिखा हुआ है यहाँ पे, और पीछे की साइड पे भी हम लोग नीचे कुछ है ना डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स और वो सब कुछ। हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लिटरली हम डर गए तू आया ना। हाँ तो भाई यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कागज, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है गाइस, बिकॉज ये बहुत पुराना है। ये भाई ने यहाँ पे जैसे ये वाला दरवाजा खोला तो अंदर से पांच छह चंगादल ऐसे सामने की ओर आए। तो भाई अभी हम लोग सभी लोग भाई भाग के पूरी सीढ़ी नीचे चले गए थे भाई, अंदर आ रहा है देख सकते हो गाइस आप लोग, चंगादल कितने सारे गाइस अंदर देखो, देखो सामने दिख रहा है। बंद कर दे दरवाजा, बंद कर दे, अंदर हम लोग चलते हैं गाइस। तो भाई हम सब तो मतलब लिटरली इतना डर गए भाई, मैंने हम तो लगा कुछ अंदर होगा कोई एनिमल। मैं तो डर रहा हूँ अंदर नहीं जाना भाई, हम लोग अभी अंदर नहीं जा रहे बिकॉज हम लोग को थोड़ा डर लग रहा है कि भाई अंदर कुछ सांप बाप हो सकता है, तो इस वजह से भाई रहने दो भाई, अंदर मत जा उधर आ तो सही, बहुत रिस्क है भाई, रहने दो उधर, लकड़ी आए तो शायद। गाइस वहां पे एक देखो बोतल पड़ी है, ज़ूम इन कर, वो शायद केमिकल की बोतल है हाँ। जैसी हम लोग को यहाँ पे भी एक पड़ी है हाँ, तो देखो गाइस इतना ही देखो अभी तक रिस्क हाँ, नहीं तो, हाँ बहुत रिस्क नहीं लेना। गाइस लास्ट रूम है ये लक्की वाला जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, सो खोलो इसको, आज अंदर जाएंगे ही हम, खोलो भाई हमको, खोल खोल कहीं नहीं भैया, बोला जुगलन बोला जुगलो खोल से जा, ए दुला गाइस ये पुराने जमाने का वॉशरूम है क्या सच में यार वॉशरूम है ये, तो लक्की वाला एक्सप्लोर करना है, खोल दरवाजा भाई देख
आ रही चल हैंड में हम चालू है कैमरा लकी को एक्सप्लोर जाना है लकी में हमारा लग आज देख लेंगे हम कितने लकी है ये खुलता कहाँ से दबाए वन मिनट वेट वन मिनट ओके कुछ नहीं है भाई ज्यादा हुआ था भाई देख लेना दे यार जस्ट किडिंग चलो भाई और अंदर मतलब आ जाओ कुछ नहीं है सब कुछ टूटा पड़ा है यार देखो ये फर्नीचर देख लीजिए एक बार भाई हम देख चूहा या क्या है यार कुछ है रुक सांप बाप ना नहीं सांप नहीं है चूहा है 100% चूहा इस रूम में यार हम आ चुके हैं ना हाँ एक बार आ चुके हैं तो और तो यहाँ पे कुछ नहीं है देखने लायक ये टूटा हुआ है और यहाँ पे अंदर दिखा दे हमने देखा उनको इनको दिखा देते हैं और ये है अंदर यहाँ पे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है जो है ना ये यू आवाज करते रहे ना चल यार ठीक है यार ठीक ही है हम तो वैसे देखा हुआ अंदर आ जा तो कुछ ऐसा ये सब कुछ है यहाँ पे अगर ये शायद KGF चैप्टर 3 यहाँ पे हम बना सकते हैं अगर शायद कुछ मिल जाए तो हमारी वो शॉर्ट फिल्म बनने वाली है ना वो अरे हाँ विराज भैया के साथ उसके लिए हम यहाँ पे आ सकते हैं कुछ है तो नहीं गाइस अंदर रुक निकल कुछ नहीं है यार मस्ती कर रहा अबे कुछ भी यार तो भाई मैं तो अंदर नहीं गया था लेकिन हमारे यहाँ पे जो ध्रुव भाई है उसके साथ ध्रुव भाई ये दोनों अंदर जाके पूरा आप लोग दोनों ध्रुव भाई तो समीर भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब प्लेस मैंने सजेस्ट की मतलब कैसी रही इस प्लेस बहुत बढ़िया तो यार हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा ये लेकिन भाई उस बार में इतना डर लगा था भाई सच क्या भाई लिटरली हम सब डर गए एकदम से खोला और पांच से एकदम ऐसे सामने ही आ गए अब यार मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मतलब पहली बार इंसान देखा हो ना ऐसा क्योंकि वो लगता है सालों से अंदर ही बंद पड़े हैं सब लोग वो पूरा फैमिली है मामा चाचा सब लोग मैंने यहाँ पे पूरी प्लेस आपको दिखाई कि भाई कितनी हॉन्टेड है उसने आपको नीचे की सारी चीजें दिखाई कि भाई नीचे कौन कौन सी चीजें है ऊपर कैसा था तो गाइस सारी चीजें हम लोगों ने आपको दिखाई कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा एंड आई होप आप लोगों को भी देखने में बड़ा मजा आया होगा इस वीडियो को तो भाई अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से तो वैसे तो भाई डर तो हमें भी थोड़ा सा लगा लेकिन गाइस मजा बहुत आया हम लोग को तो अभी हम लोग चलते हैं घर तो गाइज मैं अभी फिलहाल घर पे आ चुका हूँ और मैंने आप लोग को पूरी जो हॉन्टेड जगह थी उसको पूरा एक्सप्लोर करवाया कि भाई अंदर से वो कैसी दिखती है और किस तरीके का हम लोग को जो है डर लगता है वहाँ पे तो मैंने वहाँ पे कुछ अंडे भी देखे और आप लोग को भी मैंने दिखाया कि कितने बड़े अंडे थे गाइज वो लेकिन इस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अंडे जो थे वो सांप के ही थे किसी और बर्ड किसी और एनिमल या फिर कोई और क्रीचर के भी अंडे हो सकते थे उसके बाद गाइज आप लोगों ने पूरा वीडियो तो देखा ही होगा किस तरीके से हम लोग अंदर गए और भाई क्या किया तो अगर आपके घर के आसपास भी ऐसी कोई जगह है तो भाई